नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार सरकार ने पंचायत चुनाव से पहले बड़ा निर्णय लिया है, जिसमें बीडीओ को पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के दायित्व से अलग कर दिया गया है। साथ ही डीडीसी को भी जिला परिषद मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के दायित्व से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें, प्रदेश में बिहार पंचायत राज संशोधन अधिनियम 2021 के प्रभावी हो जाने के बाद से बिहार पंचायत सेवा के प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को 21 अगस्त को प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति के पद पर पदस्थापित किया गया है। साथ ही अब उन्हें बगल वाले प्रखंड का भी प्रभार दे दिया गया है। इस तरह से बीडीओ के जिम्मे जो काम था वो प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी संभालेंगे। इस पूरे मामले को लेकर बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि सरकार के इस निर्णय से अब विकास के कार्यों में और भी गति आएगी। प्रखंड पंचायत पदाधिकारी जिनकी तैनाती हो गई थी उन्हें बगल वाले प्रखंड में पंचायत समिति कार्यपालक पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। इन सब के साथ राज्य निर्वाचन आयोग की यही कोशिश है कि कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर से पहले और बाढ़ के माहौल में पंचायत चुनाव का आयोजन किसी भी तरीके से करवा लिया जाए, ताकि समय पर गांव की सरकार बन सके और विकास कार्यों को गति मिल सके। इस बाबत आज अधिसूचना जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके बाद पंचायत चुनाव के 11 चरणों में किन किन जिलों में किन किन चरणों में चुनाव होगा इस बात का खुलासा हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग की यही कोशिश है कि समय रहते पंचायत चुनाव का आयोजन इस बार पूरा करवा लिया जाए। ईवीएम से लेकर तमाम तरह की व्यवस्थाओं पर राज्य निर्वाचन आयोग की नजर है, जिसके बाद अब कोशिश यही है कि राज्य निर्वाचन आयोग समय पर चुनाव का आयोजन करवा सके। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।